नमस्ते ऑल, आई एम जीवियन जया भाटी फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग अंडर द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी. सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टेक्सटाइल फाइबर एंड यार्न इन प्रीवियस क्लास, हमने पढ़ा था कि टेक्सटाइल फाइबर की मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अभी क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं. और हमने ब्रीफली क्लासिफिकेशन भी देखा था कि क्या क्या कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई है, जैसे नेचुरल और मैनमेड है और उसके अंदर सब कैटेगरीज भी है. तो आज हम इन क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो प्रकृति में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हम उनको यूज़ करके उसको प्रोसेस करके फैब्रिक बनाते हैं, टेक्सटाइल्स बनाते हैं. सो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर आर नेचुरल सोर्सेस. जो सोर्स है नेचुरल फाइबर्स का, जो मतलब जहाँ से वो प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक है, वो हमें प्रकृति से ही मिल जाता है. तो इसलिए वो नेचुरल, ये इसका सोर्स नेचुरल हो गया है. ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये डिकम्पोज हो जाते हैं. ये जैसे केमिकल जो होते हैं, केमिकल फाइबर्स होते हैं, केमिकल फैब्रिक होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स से जो हमें टेक्सटाइल बनाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है वो ईजिली और इको फ्रेंडली होते हैं. नेचुरल, नेचर से प्राप्त हुए हैं इसलिए वो इको फ्रेंडली है, क्योंकि नेचर में जो प्रेजेंट है चीज़ें उसी से मिलके बनता है और ये नेचर में ही वापस से समा जाता है, इसलिए इको फ्रेंडली है. ये किसी भी प्रकार का हार्म पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. इसको बनाने में भी कोई हार्मफुल प्रोसेस जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो वो यूज़ नहीं किया जाता, जो केमिकल फाइबर्स को बनाने में किया जाता है. और ये सस्टेनेबल है. एज़ वी नो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं ये सस्टेनेबल है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर. अब हम देखेंगे नेचुरल फाइबर का क्लासिफिकेशन कैसे, इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ये है नेचुरल फाइबर्स का फर्स्ट है प्लांट फाइबर्स, जो हमें प्लांट से मिलता है. उसके अंदर आता है कॉटन, जूट, हैम्प, फैक्स, बैम्बू, बनाना, कॉयर, पाइनएप्पल, राइम एंड सिसला. तो ये सारे किसी ना किसी प्लांट के पार्ट से हमें जो फाइबर मिलते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. और दूसरा है मिनरल, मिनरल्स, रॉक्स जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसमें आता है एस्बेस्टॉस, ट्राया एस्बेस्टॉस और एक्सेट्रा, जो चट्टानों में फाइबरस जो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनसे मिलता है. और तीसरा है एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर से हमें वूल, कैश्मीर, सिल्क, कैमल, एल्पाका, मोहिर, अंगोरा, ये इसके सब कैटेगरीज हैं जो हम डिटेल में आज एनिमल फाइबर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कवर करेंगे. सो एनिमल फाइबर हम स्टार्ट करते हैं. अब एनिमल फाइबर वो फाइबर्स हैं जो एनिमल से हमें मिलता है, एनिमल के किसी पार्ट से या किसी उनके बालों से या उनके किसी फॉर्मेशन से, प्रोसेस से जो मिलता है वो होता है एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर प्रोटीन बेस्ड फाइबर होते हैं. ये एनिमल के प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे बाल हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं वैसे एनिमल के जो बाल होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. इसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि एनिमल फाइबर को हम प्लांट और मिनरल से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें. तो सबसे पहले है कि एनिमल फाइबर प्रोटीन बेस्ड कंपोजिशन होता है. जो एनिमल फाइबर का कंपोजिशन है वो प्रोटीन बेस्ड होता है. एक कैरेटिन होता है जो वूल में प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है सिल्क में होता है, जो फैब्रिक फैबोयर होता है वो सिल्क में प्रेजेंट होता है. तो जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन इसको
प्रोटीन जो कंपोजिशन है वो इसके अंदर होती है, इसीलिए ये उस जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर्स। और ये इलास्टिसिटी, सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मतलब इनमें एक आपको जैसे पता है कि जो एनिमल्स के हेयर होते हैं उनमें नेचुरल क्रिम्प होता है, वो जिगजैग पैटर्न के होते हैं। जब उनको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, जब उनको रिलीज करेंगे तो वो एक अपना ओरिजिनल जो क्रिम्प शेप होता है उसी में आ जाएंगे। तो ये उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। जो एनिमल के हेयर्स और होते हैं वो नेचुरली मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं उसका। तो एनिमल फाइबर्स जो होते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो वूल है वो 30% तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये हमें और हमें फील भी नहीं होगा, गीला भी नहीं फील होगा विदाउट मेकिंग अस फील वेट। 30% अप टू मॉइस्चर जो इन्वायरमेंट और जो स्किन में है प्रेजेंट वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन एनिमल फाइबर का एक मेजर विशेषता है जो इसमें प्रेजेंट होती है। थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन मतलब ये हमें हमारी जो गर्मी होती है जो अंदर ही ट्रैप करके रखती है बॉडी में, जैसे कि वूल के जो स्वेटर होते हैं कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में कैसे हमारी बॉडी को गर्माहट रखते हैं, हमारी बॉडी का जो गर्म टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो इसका थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी है। जैसे सिल्क है, सिल्क मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है तो हमें वो एक कूलनेस प्रोवाइड करती है। और सॉफ्ट एंड कंफर्ट, नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड कंफर्ट। जो एनिमल फाइबर होता है जो हेयर से बनता है एनिमल के, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और हमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। जैसे अंगोरा रैबिट होता है, उसके बाल बहुत फर होते हैं। जैसे सिल्क है, सिल्क बहुत सॉफ्ट फील देता है, जब हमारी वो स्किन के टच करता है तो हमें बहुत सॉफ्टनेस फील होती है। तो हमें इस टाइप के जो फाइबर्स होते हैं वो जो क्लोज टू बॉडी जो हमारे गारमेंट होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। लेस्चर एंड शीन, लेस्चर और शीन मतलब एक शाइन और लग्जरी होती है। सिल्क इसका बेस्ट एग्जांपल है। सिल्क के अंदर हमें जो इसका शाइन है दूर से ही हम देख सकते हैं, एक शीन होता है, नेचुरली शीन प्रेजेंट होता है इसमें, तो वो हमें एक शाइनी और लग्जरी इफेक्ट देता है देखने में भी। और ये लग्जूरियस जो गारमेंट्स होते हैं और जो फर्नीचर होते हैं उसमें ही यूज़ किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी, जो एनिमल फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी से फटते गलते नहीं हैं। फायर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंट मतलब जो फायर जो फ्लेम रेसिस्टेंस जो विशेषता है वो, जैसे वूल है, वूल जल्दी से मेल्ट नहीं होता जब आग के कांटेक्ट में आता है, जल्दी से वो मेल्ट नहीं होता, तो वो उसको हम एक तरीके से एक नेचुरल फायर रेसिस्टेंट के लिए मतलब काफ़ी हद तक वो आग से बचा सकता है। इसलिए वूल वूल जो होता है वो फायर रेसिस्टेंस में काम आता है। ब्रीथेबिलिटी, जैसे कि अपन ने बात करी थी कि सिल्क जो है एक सॉफ्ट कंफर्ट फील देता है और सेम टाइम वो ब्रीदेबल फैब्रिक भी है, वो इतना पतला होता है कि हमारी बॉडी सांस ले सके और हमारा मॉइस्चर जो अब्जॉर्ब कर सके। डाई एफिनिटी जो लास्ट विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है डाई एफिनिटी। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो डाइंग में बहुत ज़्यादा जो कलर पकड़ते हैं और विविड और लॉन्ग लास्टिंग कलर आता है इसमें, फेड नहीं होता इजीली, इसीलिए इसको डाई एफिनिट डाइंग जो होती है, कलर चेंज करते हैं अपन कोई भी वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल फाइबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो जल्दी से फेड नहीं होते। सो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी एनिमल फाइबर की हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स जो टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वूल, वूल जो होता है हमें शीप से प्राप्त होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये इलास्टिक होता है, आपने देखा होगा वूल जो होता है वो थोड़ा क्रिम्प शेप में होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा और रिलीज करेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा।
और क्रिम्प होता है, हाइड्रोग्रोस्पिक होता है, मतलब इसमें वो जो पानी को रिटेन करता है ना, मॉइस्चर को रिटेन करता है, वूल 30% तक के अपने एनवायरनमेंट और स्किन के मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके रख सकता है विदाउट मेकिंग अस फील वेट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वूल. और इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ये फायर इंसुलेशन, मतलब ये हमें गर्माहट प्रोवाइड करता है इन कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेटिंग कंडीशन में जो वूल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है. हमारी टेम्परेचर, जब हमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी है उसके अंदर आती है, जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो फाइबर की विशेषता है वो इसके अंदर आती है. फायर रेसिस्टेंस, वूल फायर रेसिस्टेंट में हेल्प करता है. वूल फ्लेम रेसिस्टेंट है, ये नेचुरली जो फायर है उससे जल्दी से फाइबर, एनिमल वूल फाइबर है वो पिघलता नहीं है, और इससे वो हमें काफ़ी हद तक आग से बचाने में सहायक है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वूल को कैसे प्रोसेस करके हम इसका कैसे शीप से हम बाल शीप के बालों से हम वूल को बनाते हैं, और कैसे उससे कपड़े बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे. प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका वूल का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है. शियरिंग, शियरिंग मतलब उसको हम ये बेसिकली शियर करते हैं शीप के बालों को, विदाउट हार्मिंग द शीप हम उसको बालों को सेपरेट करते हैं. ये हम गर्मी के स्प्रिंग सीजन में करते हैं, और ये फिर स्काउरिंग में जाता है. स्काउरिंग में इसको हम क्लीन करते हैं, अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती है अगर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो डर्ट जो ग्रीस होता है और जो नेचुरली भी जो इम्प्योरिटीज़ होती है शीप के बालों में, वो इससे इस प्रोसेस में हटाई जाती है. फिर है सॉर्टिंग, फिर हम इसको सॉर्ट करते हैं, अलग अलग डिटेंगल करते हैं, और फिर आता है कार्डिंग, जिसके अंदर हम हेयर्स को स्मूथ करते हैं और इसको एक प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं. फिर आता है स्पिनिंग, स्पिनिंग में हम इसको यार्न के प्रोसेस के थ्रू स्पिन करते हैं फाइबर्स को, ताकि वो एक यार्न बने. यार्न बनने के बाद हम उसको फाइनली नेट और वीव करके उसको फाइनल फैब्रिक टेक्सटाइल बनाएंगे. दिस वाज द वूल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, शियरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग एंड फिनिशिंग. ये इसका एक पूरा प्रोसेस है. अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या है. इसके यूज़ वूल की हम हमारे सराउंडिंग्स में काफ़ी यूज़ देखते हैं. हम सर्दी में इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं. इससे हम स्वेटर्स, ब्लैंकेट, सूट्स, कारपेट्स बना सकते हैं. ये देख पा रहे हो, ये कारपेट है, ये स्वेटर्स है, और ये ब्लैंकेट है. तो इसका और भी वाइड यूज़ है, इसको फर्नीचर और में भी यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा है सिल्क. सिल्क होता है जो मलबरी सिल्क, ककून, और ये जो दो एग्जांपल हैं इसके, सिल्क वॉर्म से बनता है. तो इसके दो टाइप के हैं, मलबरी सिल्क वॉर्म होते हैं और तुषार सिल्क वॉर्म होते हैं. तो ये सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, मलबरी लीव्स, जो मलबरी सिल्क वॉर्म होते हैं उनको मलबरी लीव्स मतलब मलबरी की पत्तियां खिला के उनको बड़ा किया जाता है, और फिर उनको हार्वेस्ट करके फिर उनके ककून से सिल्क बनाया जाता है. तो ये बहुत ही लग्जरी लग्जरी वाला जो फाइबर है जिससे फैब्रिक बनता है वो है. और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये स्मूथ होता है, जो सिल्क है वो बहुत स्मूथ होता है दिखने में. इसमें नेचुरली शाइन प्रेजेंट होती, लेस्चर, ये एक लग्जरी फाइबर क्रिएट करता है स्ट्रेंथ. ये नेचुरली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, इसके इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ में आती है. ये हाइपो एलर्जिक, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये अपने स्किन को जब टच करता है तो हमें सॉफ्ट फील होता है. तो हम इसको बोल सकते हैं, हाँ, क्या बोल रहे,
तो ये टॉपिक वापस हाइपोएलर्जेनिक मतलब जो लोग जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए ये बेस्ट फैब्रिक होता है, क्योंकि इसके जो ये बॉडी के अगेंस्ट हमें बहुत सॉफ्ट फील होता है। और ये है, फिर दूसरा है फिर गुड ड्रेपेबिलिटी। ये जो सिल्क की ड्रेपेबिलिटी है, जो फ्लो है, बहुत लग्जूरियस है, जो दिखने में हमें अपीरियंस बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। और फिर है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंसी जो सिल्क होता है वो बहुत अब्जॉर्बन जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और हमें ठंडक प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये इसके एग्जांपल है मरबली मलबरी सिल्क ककून और ये है तुषार सिल्क ककून, जिनसे मलबरी सिल्क ककून से तो ये वाइट होते हैं, इनसे सॉफ्ट और लग्जूरियस बनते हैं। ये थोड़ा रस्टिक होता है, तुषार सिल्क वर्म इससे रस्टिक लुक वाले जो गारमेंट है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो प्रोसेस होता है सिल्क वर्म को हार्वेस्ट करने का, उसको बोलते हैं। और फिर सेरीकल्चर होता है हार्वेस्टिंग ककून्स, फिर उसको ककून को हम हार्वेस्ट करके फिर उसको रीलिंग करते हैं, उसमें से उसको पानी में डाल के उसका जो ककून को प्रोसेस करते हैं। फिर डीगमिंग, जो ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट गम होता है ककून को, हम उसको हटाते हैं और फिर स्पिनिंग करते हैं, फिर उसको स्पिन करते हैं और यार्न में स्पिन करते हैं और उसको बाद में उसको नीट वीविंग और नीटिंग से उसका टेक्सटाइल फैब्रिक बनाते हैं। फिर आता है इसके यूजेस आते हैं, इसको हम लग्जरी क्लोथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइस, स्कार्फ्स, बेंडिंग और ये फर्नीचर में भी यूज़ होता है। अपोलोस्ट्री जो जो कि इसका, जैसे ये वुड की फर्नीचर है, अब इसको हम कवर देंगे, कुशन देंगे, वो हम सिल्क का यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा लुक लग्जरी वाला हो जाएगा। ये तीसरा है कैश्मीर। कैश्मीर जो शीप्स होती है उससे बनता है। प्रॉपर्टीज़ है इसकी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होती है, लाइट वेट होती है, इंसुलेशन इसकी प्रॉपर्टी, और ये ड्यूरेबल बहुत बहुत स्ट्रांग भी होती है। ये कश्मीर की पश्मीना जो कश्मीरी गोट है ये वो है, ये जो बेसिकली चाइना में, इंडिया में, म्यांमार में, मंगोल में इसको इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, और वहाँ की पश्मीना जो कश्मीर की पश्मीना है वो इसी चंगतांगी गोट से प्रोड्यूस होती है। इसका प्रोसेस भी यही सिंपल है कि इसको कॉम करते हैं और डी हेयरिंग करते हैं, उसको हटाते हैं, फिर वहाँ उसके हेयर्स को निकाल के फिर उसको स्पिन करके हम वीव और निट करते हैं जो फैब्रिक और टेक्सटाइल है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं जो हाई एंड स्वेटर्स और शॉल्स होते हैं वो जो लग्जूरियस अपील देते हैं वो इससे इसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वील बी डिस्कसिंग अबाउट मोर एनिमल फाइबर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।